सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को गेमर फॉर द गाइस। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लच कार्ड रैंक में टॉप 5 ऐसे हाइडन प्लेस जिनका यूज करके आप अपने फ्रेंड को चौंका सकते हो, या तो आप रैंक पुश भी कर सकते हो और एनिमी को इजिली किल कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आज की वीडियो में आपको विदाउट ग्लूल हाइडन प्लेस बताने वाला हूँ। तो गाइस ठीक है, एक तो हाइडन प्लेस में ग्लूल का यूज होने वाला और बाकी आपको ऐसे नॉर्मल हाइडन प्लेस बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट नंबर पर हाइडन प्लेस आता है गाइस, वो आता है कैप्टन में। जब भी आपका राउंड आता है, ठीक है, जैसे आपका कैप्टन में राउंड आता है तो गाइस आपको पढ़ने वाली है दो ग्लूल की जरूरत। ठीक है, आपको दो ग्लूल ले लेने हैं। यहाँ पर मेरे से गलती से 3 लग गए थे, बट कोई बात नहीं, 2 में ही हो जाता है काम। थोड़ा सा आपको ऊपर लगाना है ग्लूल, जिस तरीके मतलब आप चढ़ सकते हो। तो गाइस आपको इधर आ जाना है और इधर आपको इन ग्लूल पर जंप करना है। गाइस ये स्पीड इसलिए फास्ट क्योंकि गाइस मैंने वीडियो की स्पीड फास्ट कर रखी है, कोई हैकर वैकर मत समझना। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने वीडियो की स्पीड फास्ट कर रखी है थोड़ी सी। ओके, तो आपको इस पर ऊपर जंप कर देना है, इस छत पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर चढ़ चुका छत से, और आपको यहाँ से कैप्टन का सारा व्यू मिलता है। जहाँ पर भी एनिमी होगा आप उसे इजीली किल कर सकते हो और अपनी रैंक वगैरह भी पुश कर सकते हो। तो गाइस ये भी बहुत अच्छा हाइडन प्लेस है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो और आसानी से रैंक पुश कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे हाइडन प्लेस की तरफ। तो गाइस जो दूसरे नंबर पर हाइडन प्लेस आता है गाइस, वो आता है फैक्ट्री पर। तो गाइस आपको फैक्ट्री पर जैसे आपका राउंड आता है, ठीक है, आपको यहाँ पर आ जाना है और आपको यहाँ पर ग्लूल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो गाइस मैंने वीडियो को पहले ही बोला था कि गाइस मैं आज जो भी हाइडन प्लेस बताऊंगा वो नॉर्मल बताऊंगा, ठीक है, ग्लूल का यूज़ नहीं बताऊंगा उसमें। अगर आप चाहते हैं कि ग्लूल वाला यूज़ मतलब वो वाला हाइडन प्लेस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं आपको इस पर चढ़ जाना है, ये जो बने हैं इसके छत पर, देखो आपको यहाँ पर आ जाना है और आप यहाँ से किसी भी एनिमी को मार सकते हो। यहाँ पर आपको लेट जाना है, लेट कर यार आपको कोई एनिमी यहाँ पर देख नहीं सकता। तो गाइस यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर दी आपको दिखाने के लिए। गाइस ये भी काफ़ी अच्छा हाइडन प्लेस है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। गाइस आपको ये हाइडन प्लेस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे हाइडन प्लेस की तरफ। सो गाइस जो तीसरे नंबर पर हाइडन प्लेस आता है गाइस, वो आता है शिपयार्ड में। जैसे आपका शिपयार्ड में राउंड आता है गाइस आपको करना क्या है, देखो मैंने थोड़ी सी वीडियो की स्पीड फास्ट कर दी है। ओके, तो गाइस आपको करना है इसके पीछे चले जाना, और पीछे जाने के बाद जो गाइस आपको ये बड़ा सा टावर दिख रहा है गाइस आपको इसके ऊपर चढ़ जाना और आप यहाँ से किसी भी एनिमी को मार सकते हो। तो गाइस ये भी बहुत अच्छा हाइडन प्लेस है, आप इसे ट्राई कर सकते हो और रैंक पुश इससे भी कर सकते हो। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अब चौथे हाइडन प्लेस की तरफ। तो गाइस जो चौथे नंबर पर हाइडन प्लेस आता है गाइस, वो आता है मार्स इलेक्ट्रिस में। तो गाइस जैसे आपका राउंड आता है तो गाइस आपको इसके घर के पीछे आ जाना है। इधर आपको इधर बड़े बड़े आपको टैंक दिखाई देंगे, तो गाइस आपको इसके पीछे से फाइट करना है, आपको इसका कवर लेके फाइट करना है। इससे आपको सामने का पूरा व्यू मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप आने वाले सभी एनिमी को मार सकते हो। चारों तरफ का यहाँ पर व्यू है, अगर पीछे से आता है एनिमी तो आप पीछे से मार सकते हो, अगर यहाँ बीच से आता है एनिमी तो आप बीच से भी मार सकते हो, अगर तो गाइस आप यहां से भी मार सकते हो। तो गाइस आपको ये वाला हाइडन प्लेस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए आप बढ़ते हैं पांचवे हाइडन प्लेस की तरफ। सो गाइस जो पांचवे नंबर पर हाइडन प्लेस आता है गाइस, वो आता है इधर हैंगर पर। तो गाइस जैसे ही आपका हैंगर में राउंड आता है तो गाइस आपको करना क्या है, एक आपको लॉन्ग रेंज की गन ले लेनी है जिससे आप दूर भी मार सकते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मैंने M14 ले ली है जिससे मैं लॉन्ग दूर मार सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप करना क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सारे बक्से दिख जाएंगे, आपको इधर आ जाना है पीछे और इन बक्सों पर जंप करके आपको इसके टॉप पर आ जाना है और आप यहाँ से किसी भी एनिमी को मार सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये भी काफ़ी अच्छा हाइडन प्लेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।